हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के मैथ्स एक्सरसाइज 2.2 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट नंबर ए में है 10 मिलीमीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स। टेन मिली मीटर्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर्स, इस कन्वर्जन को आपको याद रखने हैं। वन ऑप्शन बी में है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। 100 सेंटीमीटर को अगर हम फिर से कन्वर्जन करते हैं 1000 मिली मीटर्स। सी में आपको 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो 1 किलोमीटर्स इक्वल टू 1000 मीटर्स। सिंस 1 मीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, वन किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर इक्वल टू 1000 × 1000 mm इक्वल टू 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर्स। सिंस 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू इतना मीटर्स, 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm, तो 1000 × 1000 mm, तो 1 किलोमीटर बराबर ना mm। ऑप्शन नंबर ई के बाद अगला है 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम्स, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिली ग्राम्स, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, 1000 मिलीलीटर्स, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिली ग्राम्स। वन मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। इस कन्वर्जन को आपको याद रखना है पूरी अच्छी तरीका से। आगे आपको ये कॉन्सेप्ट में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिलेंगे इससे आपको, इसलिए इसको इस कन्वर्जन को आपको याद रखना है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1.1। क्वेश्चंस काफ़ी लंबे हैं एक्सरसाइज में, इसलिए मैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर ए 4 डेज इन ए स्कूल। द नंबर ऑफ
tests sold by the counter on the first, second, third, and final days was yesterday 1,094, 1,812, 2,050, and 27,051. Find the total number of the test cricket sold by the 4 days. The number of tickets sold on first days, the number of tickets sold by the first days, first days में कितने टिकेट बेचे गए, 1,092. The number of ticket sold by second day कितने बेचे गए, 1,812. इतने टिकट्स बेचे गए. थर्ड डेज 2,050 एंड फोर्थ डेज 2,751. Total number of tickets sold 1,092 plus 1,812 plus 2,050 plus 2,751. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स ये जोड़ के हो जाएंगे 7,707. therefore 7,707 tickets were sold on the 4 days. काफी आसान क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में कहा गया है फर्स्ट डे इतने टिकट बेचे गए, सेकेंड इतने टिकट बेचे गए, एंड थर्ड डेज एंड फोर्थ डेज द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड. तो 4 दिन में कुल मिलाकर कितने टिकट्स बेचे गए, फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन, थर्ड दिन एंड फोर्थ डेज. टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इतने बेचे गए, देयरफॉर द इतने नंबर ऑफ टिकट्स वेयर सोल्ड ऑन द फोर्थ डेज. ये आपके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू कोई एक लड़का रनिंग करता है, उसका एक गोल होता है रन टू अचीव, उनको इतने पूरे करने हैं इतने मीटर उनको दौड़ने हैं, जिनमें कि रन हो स्कोर्ड इतना 6,980, इतना इन्होंने स्कोर किया तो उन्हें और कितना ज़रूरत होगा अचीव तक पहुंचने के लिए, उनको और कितना ज़रूरत होगा अचीव तक पहुंचने के लिए. तो अचीव तक पहुंचने के लिए ना माइनस 1,680
इतना रन्स, देयरफॉर देयरफॉर ही नीड्स इतना मोर रन्स। काफी आसान क्वेश्चन है। एक आपको टारगेट दिया गया है, इतना स्कोर आपको करना है, जिनमें से आपने इतना स्कोर कर लिया, इतना आपने स्कोर किया, तो आपसे पूछा जा रहा है कि और कितना आप स्कोर, और आप कितना स्कोर अपने पास जमा कर लेंगे, अचीव तक पहुंच पाएंगे। अचीव तक पहुंचने के लिए जितना फाइनल पहुंचना है उनमें जितना आपने किया उनको लेस कर देंगे, जो आंसर निकल के आएगा उतना हमको जरूरत होगा नीड्स। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, नंबर और बोर्ड्स सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट्स 577500। एक बोर्ड्स में, उन बोर्ड्स में जो सक्सेसफुल कैंडिडेट थे, जिन्होंने विनर, जो विनर थे, उन्होंने इतने वोट्स अपने बोर्ड्स में जमा किए, और जो इन तक पहुंचना चाह रहे थे बाय हिज नियरेस्ट राइवल, जो नियरेस्ट थे 348700, उनके पास इतने वोट्स थे, तो आपको पूछा गया है कि सक्सेसफुल कैंडिडेट जो थे वो कितने वोट से जीते, कितने वोट से विन हुए। तो जितने वोट लाए थे जो उनका पीछा कर रहा था, तो उनका वोट में उनका वोट को माइनस कर देंगे, जो बाहर निकल कर आएंगे उतने वोट से विनर हुए। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट के 577500 माइनस 348700 इतने वोट्स में, जिनमें माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद 288000 इतने वोट्स, देयर फॉर द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वन बाय ए मार्जिन ऑफ 228000 इतना वोट्स। काफी सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फोर, एक बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, सोल्ड इन फर्स्ट वीक 285891, सेकेंड वीक 400,
फर्स्ट वीक में इतना बुक बचेंगे, सेकेंड वीक में इतना बुक बचेंगे, नंबर ऑफ टोटल बुक्स सोल्ड बाय टू वीक्स 285891 प्लस 400768, दोनों वीक में कितने बुक बेचेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, 686659 टोटल बुक कितने बेचेंगे, सिंस फोर डबल जीरो 768285891। मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ टोटल इतने बुक बेचे गए जिनमें कि सबसे ज़्यादा कौन सा वीक में बेचा गया, सबसे ज़्यादा ये वीक में बेचा गया, मतलब सेकेंड वीक में सबसे ज़्यादा बेचा गया, सेकेंड वीक में सबसे ज़्यादा बेचा गया और सबसे कम बुक बेचा गया ये वीक में, फर्स्ट वीक में सबसे कम बुक बेचा गया। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, चलिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। देयरफॉर सेल ऑफ सेकेंड वीक, क्वेश्चन नंबर थर्ड के हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ के हैं, यहाँ से देयरफॉर सेल ऑफ सेकेंड वीक इज greater than of first week, book sold in second week, sold in second week, second week में कितने book बेचे गए, 400768 बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक 285891। कितना ज़्यादा किताब सेकेंड वीक में बेचा गया, मोर बुक सोल्ड इन सेकेंड वीक, 400768 माइनस 285891 9111487। इतना बुक सेकेंड वीक में ज़्यादा बेचा गया, therefore 114877 more books were sold in second week।
Question number 5. Greatest 5 digit number using digit 6 2 7 7 4 3. इसमें से जो ग्रेटेस्ट बनेंगे वो ग्रेटेस्ट हो जाएंगे 7 6 4 3 2, और स्मॉलेस्ट 5 digit number using digit 6 2 7 4 3 equal to 2 3 4 6 7. 6 7 इनका डिफरेंस निकालना है. डिफरेंस मीन्स एक दूसरे में माइनस कर दिया जाए, जो बड़ा है उनमें छोटा को कैंसिल कर दिया जाए. 7 6 4 3 2, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, इतना माइनस 2 3 4 6 7 आ जाएगा आपका 5 2 9 6 5. ये आपका डिफरेंस निकल गया, आंसर हो गया. अब चलें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. क्वेश्चन नंबर 6 लिखने का, यहाँ से 6 नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन वन डेज, मतलब 2 8 2 5. नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो जनवरी ये हो जाएगा 31 डेज. 31 डेज आएंगे एक दिन में, इतना स्क्रू मैन्युफैक्चर किया जा रहा है मतलब कि इसको बनाया जा रहा है, तो जनवरी के मंथ में कितना मैन्युफैक्चर किया जाएगा. तो जनवरी के मंथ में 31 डेज होते हैं, तो इनको आप 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 8 2 5 मल्टीप्लाइड बाई 31 इक्वल 8 7 5 7 5. देयरफॉर द मशीन produced 8 7 5 7 5
view in the month of January. Some questions there. Question number 7. Cost of one radio cost of 40 radio हो जाएगा 1200 गुना 48,000 नाउ द टोटल मनी मर्चेंट 78,592 उसके पास टोटल टोटल मनी इतना था जिसमें से कि स्पेंड हो गया 48,000 मनी लेफ्ट कितना पैसा उसके पास बच गया 78,592 माइनस 48,000 30,592 इतना रिमेंड उसे नंबर 8 और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आठ में क्या है एक रॉन्ग वे से गुणा किया मल्टीप्लाई किया जा रहा है एक राइट वे से मल्टीप्लाई किया जा रहा है एक रॉन्ग वे से एक राइट वे से तो रॉन्ग वे से जो किया जा रहा है वह 72 36 मल्टीप्लाई 65 ये मल्टीप्लाई करके हो जा रहे हैं 470340 और एक करेक्ट वे से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 72 36 गुना 56 इक्वल टू 405216 एक गलत वे से किया जा रहा है एक सही वे से किया जा रहा है दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन देम जो बड़ा उसको पहले लिख लेते हैं 470340 नेगेटिव 405216 कैंसिल कर देंगे कैंसिल करने के बाद 65124 65124 यह कोई आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 क्लोथ रिक्वायर्ड टू स्टिच वन शर्ट
required to stitch one shirt टू मीटर 15 सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्जन करने के लिए मीटर को अगर सेंटीमीटर में हम चेंज करते हैं तो 2 × 100 सेंटीमीटर और ये प्लस में हो जाएंगे 15 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 215 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ 40 मीटर, 40 मीटर, 40 मीटर को हम कन्वर्जन करेंगे 40 × 100 बराबर 4000 सेंटीमीटर, 4000 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच, हमें एक शर्ट को स्टिच करने में इतने कपड़े की ज़रूरत है, हमारे पास टोटल इतने कपड़े हैं, इनमें हम कितना शर्ट को स्टिच कर पाएंगे। नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच, नंबर ऑफ शर्ट कैन बी स्टिच, तो इसमें हमको डिवाइड देना होगा, इतना डिवाइडेड बाई 215, डिवाइड देने के बाद 18 शर्ट्स। देयरफॉर 18 शर्ट कैन बी स्टिच, 18 शर्ट स्टिच हो जाएंगे एंड 130 सेंटीमीटर क्लॉथ्स रिमेन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द वेट ऑफ वन बॉक्स 4 kg 500 ग्राम, द वेट ऑफ वन बॉक्स 4 kg 500 ग्राम, 4 kg को हम ग्राम में चेंज कर लें, 4 × 1000 ग्राम प्लस 500 ग्राम 45000 ग्राम, फोर्टी फाइव हंड्रेड ग्राम मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड वैन, मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड वैन, इतना केजी कन्वर्जन कर देते हैं, इतना 1000 ग्राम 800000 ग्राम ये वैन उठा सकती है। नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए हमें डिवाइड देना होगा आपको 4500 ग्राम से, हमें डिवाइड देने के बाद आपको आ जाएंगे 177 बॉक्सेस।
can be loaded, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं. डिस्टेंस बिटवीन स्कूल, क्वेश्चन नंबर 10 पहले मैं समझा देता हूँ. द वेट ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का वेट इतना है जिसको कि मैंने कन्वर्जन किया, कन्वर्जन करके मैं इसको ग्राम में चेंज कर दिए तो 4500 ग्राम हो गए. ग्राम में चेंज मैंने कैसे किया, 4 kg है, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, 4 kg बराबर 4000 ग्राम यानी 4000 ग्राम. तो यहाँ पे 4000 ग्राम प्लस 500 ग्राम 4500 ग्राम. उसी तरह मैंने कन्वर्जन किया 800 kg को, 800 kg गुना 1000 ग्राम, इसको ग्राम में ला दिया मैंने. इसके बाद नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए कितना बॉक्स वो लोड कर पाएगा, तो इतना डिवाइडेड बाई इतना 177 बॉक्सेस. क्वेश्चन नंबर 11, डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड होम 1.875 किलोमीटर, किलोमीटर एंड होम एंड स्कूल, होम एंड स्कूल डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल 1.875 किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस कवर, तो यहाँ ही मैं जोड़ देता हूँ, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर 3.750 किलोमीटर. डिस्टेंस कवर अब क्वेश्चंस हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days, मतलब एक दिन में ये इतना दूरी चलता है. ये एक लड़का है जो कि स्कूल से घर जाता है, तो इतना दूरी है, और घर से स्कूल जाता है तो इतना दूरी है. तो टोटल दूरी एक दिन में इतना तय करता है, तो 6 दिन में कितना तय करेगा, तो 6 × 3.750 इक्वल 22.500 किलोमीटर. देयरफॉर 22 किलोमीटर 500 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 6 days. क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12, कैपेसिटी ऑफ कार्ड इन अ वी सेल, कैपेसिटी ऑफ कार्ड इन अ वी सेल फोर लीटर 500 ml, 500 ml. लीटर को मैं ml में चेंज करूंगा, 1 लीटर बराबर 1000 ml, 4 लीटर बराबर 4000 ml. 1000 से ml मल्टीप्लाई प्लस 500 ml, 4500 ml. कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास, कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास इक्वल 25 ml. नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, हाँ क्वेश्चन है कि एक बीसल है
मिसाल में टोटल इतने ml लिक्विड है, लिक्विड मान लीजिए कर्ड, इतने ml कर्ड है, एक गिलास में इतना ml कर्ड अट रहे हैं, मतलब उसमें आ रहे हैं, तो टोटल कितने गिलास में फिल्ड होंगे? नंबर ऑफ ग्लासेस कैन फील्ड, इनमें आपको 4500 डिवाइडेड बाई 25, इसमें हो जाएंगे आपको 180 ग्लासेस, यहाँ पे लिखता हूँ देयर फॉर 180 ग्लासेस कैन बी फील बाय कर्ड। थैंक यू।